तो इस वीडियो में हम मिर्च के बारे यानी मक्का के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और उनका जो जवाब है आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो CRRI है यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। CRRI इज लोकेटेड एट। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रिटकेल जो है वो किन दो क्रॉप के बीच क्रॉस है। ट्रिटकेल इज अ क्रॉस बिटवीन और आपको आंसर बताना है कौन कौन से दो क्रॉप हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है कि फ्लाइरिस माइनर जिसको हम गेहूं का मामा भी बोलते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो बताना है, कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर जो चौथे नंबर के क्वेश्चन है व्हीट के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कौन सा स्टेट है। तो प्रोडक्शन के लिए अलग बताना है, इसका हिंदी अर्थ होता है उत्पादन और इसका होता है उत्पादकता, इन दोनों को बताना है व्हीट के बारे में। फिर जो लास्ट है जो टर्माइट है यानी दीमक, इसको कंट्रोल करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है। ये 5ों क्वेश्चन प्रीवियस में कहीं कहीं पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो इन 5ों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेज को हिंदी में मक्का बोला जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो जिया मेज है और इसका जो फैमिली है ग्रेमनी है या पोइसी है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर यानी गुण संख्या 2n = 20 है, n = 10 हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान इसका मैक्सिको है और नॉर्थ अमेरिका, इसको आप कह सकते हैं। फिर आती है यहाँ पर एक मेज प्लांट है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मेज आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस पौधे को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्लियर हो गया जो मेज है वो ग्रेमनी फैमिली का है और जितने भी ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं उसका जो रूट होता है वो फाइबरस रूट होता है। क्या होता है? फाइबरस रूट होता है। मेज में 3 प्रकार का रूट पाया जाता है, तीनों का आपको नाम याद रखना है। पहला है क्राउन रूट, दूसरा सेमिनल रूट, तीसरा प्राप रूट। ठीक, मेज में 3 प्रकार का रूट पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपको जानना है इसका जो ऊपर का होता है, मेज आप लोग देखे होंगे तो ऊपर का होता है और एक ये होता है भुट्टा जिसको हम लोग खाते हैं। तो जो भुट्टा होता है दोस्तों वो होता है फीमेल फ्लावर ऑफ द मेज। जो भुट्टा होता है वो मेज का फीमेल फ्लावर होता है जिसको ईयर या काब बोला जाता है। ठीक, ये क्या होता है? फीमेल फ्लावर होता है। यहाँ पर आप देखे होंगे मेज में ऐसे करके कुछ निकला रहता है धागे नुमा, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्क। ठीक, और ये सबसे बड़ी स्टिग्मा होती है। पूछा जाता है कि सबसे लंबी स्टिग्मा किसकी होती है, सॉरी बड़ी नहीं लंबी, सबसे लंबी स्टिग्मा किसकी होती है, तो वो मेज की होती है। और मेज में सिल्क के निकलने को सिल्किंग बोला जाता है। ठीक, उसके बाद जो ऊपर होता है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ऐसा सिस्टम होता है, इसको बोला जाता है टेसल। क्या बोला जाता है? इसको टेसल बोला जाता है। ये मेल पार्ट होता है या मेल फ्लावर कह सकते हैं आप। दोस्तों जो मेज में है वो मेल फ्लावर पहले आता है, उसके 7 डेज बाद आपका फीमेल फ्लावर आता है। क्या आता है? 7 डेज बाद फीमेल फ्लावर आता है। ठीक, तो इस जो नेचर है मेज का यह क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्रस। यानी प्रोटोएंड्रस कहने का मतलब यह हो गया कि पहले मेल पार्ट आएगा उसके बाद फीमेल फ्लावर आएगा, तो ये नेचर प्रोटोएंड्रस हो गया। दूसरा बात यह है कि इसमें टेसल पहले आता है तो वो पहले सॉरी मैच्योर होगा और वो पहले डेड भी हो जाएगा। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है, वो जो दूसरा मेज रहेगा उसका पॉलिन आकर इसको फर्टिलाइज करेगा, इसको पॉलिनेट करेगा। तो यह क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें इसको आप लोग याद रखिएगा कि मेज में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रकार के फ्लावर पाया जाता है, लेकिन लेकिन क्या है कि जो मेल फ्लावर है वो पहले आता है और पहले मेच्योर हो जाता है, पहले उसका जो पॉलन है पहले डेड हो जाता है, तो वो स्वयं के अपने ही फ्लावर को जो फीमेल फ्लावर है उसको मेच्योर पॉलिनेट नहीं कर पाता है। तो उसको पॉलिनेट करने के लिए दूसरा जो मेज रहेगा
उसका पालन आएगा, उसको मैच्योर करेगा और फर्टिलाइज करेगा, तब इसमें सीड सेटिंग होगी। तो ये दूसरा फ्लावर करता है, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हो गया। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि इसमें देखिए जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है एक ही प्लांट में होता है लेकिन अलग अलग प्लेस में होता है, तो इस घटना को हम मोनोइसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोइसियस बोलते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि एक ऐसा पौधा जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पौधा में लेकिन अलग अलग प्लेस में पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको मोनोइसियस बोला जाता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, 2018 में BHO में ये पूछा गया था। जो ये मेल फ्लावर है या टेसल है वो फोटोसिंथेसिस को कितना रिड्यूस करता है, प्रकाश संश्लेषण को ये 19% घटा देता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों जब हम हाइब्रिड मेज बनाएंगे तो उसके लिए हम जो मेल फ्लावर है या टेसल है इसको हटाएंगे, तो इसको जो हटाने की क्रिया है उसको बोलते हैं डिटेसलिंग, उसको बोला जाता है डिटेसलिंग। ठीक ना, क्या मेज से मेल फ्लावर को हटाना डिटेसलिंग बोला जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं हम राइस एंड व्हीट में पढ़ चुके हैं कि जब उनके लिए हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हाइब्रिड राइस बना रहे थे, तो उसमें हम मेल पार्ट को हटा रहे थे, तो वहां पर हम क्या बोल रहे थे, इमैस्कुलेशन। तो दोनों सेम ही है, यानी दोनों में क्या करेंगे, हम मेल पार्ट को ही हटाएंगे, लेकिन क्या है, मेज में डिटेसलिंग बोला जाता है लेकिन राइस के केस में इसको इमैस्कुलेशन बोला जाता है, और मोस्टली ये इवनिंग में किया जाता है। ठीक, मोस्टली ये इवनिंग में किया जाता है। वहीं पर बात आती है पॉलिनेशन की, तो दोस्तों जो पॉलिनेशन है यानी परागण है वो मॉर्निंग में होता है सुबह, और इसका जो बेस्ट टाइम है वो 8 से 10 AM है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको स्टार लगा लेना है। इससे दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको हर एक को अच्छे से समझ कर रखना है। पहला जो है, जो मेज का मेल फ्लावर है उसको टेसल बोला जाता है, और टेसल के आने को टेसलिंग बोला जाता है, और टेसल पहले आता है मेज में, उसके 7 डेज बाद आपका फीमेल फ्लावर आएगा जिसको हम सिल्क बोलेंगे, और इसके आने को हम सिल्किंग बोलेंगे। जो इसमें ये सिल्क होता है वो सबसे लंबी स्टिग्मा है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको ईयर या काप बोलते हैं, इसको भुट्टा भी बोला जाता है। इसमें 3 प्रकार का रूट पाया जाता है, पहला है क्राउन रूट, दूसरा सेमिनल रूट, तीसरा प्रॉप रूट। ये आप समझ गए। उसके बाद ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आप समझ गए हैं कि ये पहले आता है, पहले डेड हो जाता है, और जो इसको फर्टिलाइज करता है वो दूसरा प्लांट का फ्लावर करता है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। अलग अलग स्थान पे ये पाया जाता है, इसलिए ये मोनोइसियस है। ठीक, इसमें मेल फ्लावर पहले आता है, फीमेल फ्लावर बाद में आता है, इसलिए ये प्रोटो इंट्रस नेचर का है। ठीक, इसमें इसको हटाने को डिटेसलिंग बोला जाता है, लेकिन अदर क्रॉप में इमैस्कुलेशन बोला जाता है या इवनिंग में किया जाता है। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इसमें मॉर्निंग में किया जाता है, जो बेस्ट टाइम है 8 बजे से 10 बजे सुबह। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो ये टेसल है वो 19% फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण उसको रिड्यूस करता है।